जो परमात्मा सृष्टा पालक और संहारक है, जो जड़ नहीं है चैतन्य है, माने जो इस संसार को बनाने चलाने वाला मिटाने वाला है, जो परम स्वतंत्र है, जो स्वयं प्रकाश है, जिसके द्वारा सूर्य भी चमक रहा है, ब्रह्मा जी आदि को भी जो वेद प्रदान करने वाले हैं, और बड़े बड़े विद्वान जिनके विषय में मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीला देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये परमात्मा है, ऐसा भगवान होता है? भगवती सती मोहित हो गई कि क्या ये ब्रह्म है? तो सती और ब्रह्मा जैसे भी मोहित हो जाए, मुह्यंति यत सूर्या, क्योंकि भगवान की लीला है ही ऐसी। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि अरे ये भगवान नहीं है। तो भाई हम लोगों को इस काल में लगे ठीक है, ब्रह्मा जी जैसों को उस काल में जब भगवान प्रत्यक्ष लीला कर रहे थे तब ऐसा लगा कि शायद ये भगवान नहीं है, लेकिन हमें विवेक यह रखना चाहिए कि ब्रह्मा जी जैसों ने परीक्षण करने के बाद क्षमा याचना करके यही स्वीकार किया कि भैया ये चाहे गैया चराए, चाहे माखन चुराए, चाहे चीर चुराए, ये परम ब्रह्म है। तो हम लोगों को भी बिना किसी फसाद में पड़े मान लेना चाहिए कि ये परम ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बच गए, हम ना बचेंगे। सती जी ने संदेह किया तो उनको कितना भगवान शंकर से वियोग सहना पड़ा। सती जी का त्याग हो गया कि इन्होंने जानकी का रूप बनाया, फिर वो त्याग हो गया तो अगले जन्म में कितनी तपस्या करके सती जी को प्रसन्न शिव जी मिले। तो हम लोग यदि परमात्मा पे संदेह करेंगे तो हम लोग तो ना इतनी तपस्या कर सकते, ना इतना ज्ञान विवेक हमारे अंदर है। हम तो शास्त्र वचन को प्रमाण मान करके ये मान लें कि भैया वो भगवान है, और भजन में लग जाए तो कल्याण हो जाएगा, और इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि कौन सही है कौन गलत है, ये ब्रह्म है ये नहीं है, तो थोड़ी सी उम्र है वो इसी विचार में निकल जाए। बाबूजी थोड़ी सी उम्र है कि नहीं हम लोगों की? अरे पहले के युगों में हजारों हजार वर्ष लोग जीते थे, अब तो 100 वर्ष की आयु है और उसका भी ठिकाना नहीं है। 100 वर्ष भी कोई पूरे भाग्यशाली लोग कर पा रहे हैं, 60, 70, 65, 75 समट जाते हैं, और उसमें भी कब किसका नगाड़ा बच जाए पता नहीं। आजकल तो ऐसी बीमारियां चली हैं कि भैया शाम तक बिल्कुल बढ़िया थे, साथ में भोजन किया और बढ़िया बातचीत करके सोए, और रात्रि में सोए तो उठे ही नहीं, हो रहा है कि नहीं? अच्छे अच्छे लोग, अब किसका कब क्या समय आ जाए। तो शरीर और आयु इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भैया बहुत ज्यादा उधेड़बुन में ना लग करके जो महापुरुषों ने सिद्धांत सुनिश्चित कर दिया है अथवा महापुरुषों ने जो रास्ता बना दिया है, बड़ी विशाल नदी पर भी कोई राजा पुल बनवा दे तो साधारण व्यक्ति भी आराम से निकल जाए। पुल तो बनवाया राजा ने, लेकिन कोई भी आसानी से निकल जाए। तो उसी प्रकार ब्रह्मादिक सती आदि ने भगवान को परीक्षण करके प्रमाणित कर दिया, अब हम उस प्रमाणिकता के साथ चल करके उसकी राह पर चल जाएं तो सहज में प्राप्त कर जाएंगे, उधेड़बुन में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जिसको जो अनुभव में आता है वो उसी को स्वीकार करता है, तो अनुभव में ना आए तो जल्दी मन मानता भी नहीं है, लेकिन अनुभव में लाने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा। कोई कहे कि पहले भगवान मिल जाए और फिर भजन करें, तो ये तो नहीं हो सकता। पहले भजन करें, कई लोग नास्तिक जो होते हैं वो कहते हैं पहले भगवान दिखाओ तो हम भजन करें, पहले दिखाओ कहाँ है भगवान तो हम भजन करेंगे। पर भगवान ऐसे नहीं है कि पहले दिख जाएं, आपको पहले करना पड़ेगा, उसका स्वाद लेने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो आगे बढ़े हैं उन्होंने बहुत स्वाद पाया है। मुह्यंति यत सूर्या तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तफोकम् सत्यम परा। जिसकी माया से यह जगत असत्य होते हुए भी सत्य लग रहा है, और जिसकी माया के कारण परमात्मा सत्य होते हुए भी लगता है पता नहीं है कि नहीं है, ये सब किसका प्रभाव है? माया का।
माया भगवान को छुपाती है और नकली चीजों को दिखाती है। ये भगवान की माया का कार्य है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म प्रोज्ञित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्यास्तमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवर्धते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छण। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण है। परम धर्म है भगवान का आश्रय लेना। इसमें कल्याण रूप मोक्ष पर्यंत परम धर्म का निरूपण कहा गया है। महामुनियों के द्वारा गाया हुआ यह श्रीमद् भागवत हृदय में श्री हरि को अवरुद्ध करने वाला माने भगवान को हृदय में बिठाने वाला वह साधन है जिससे भगवान हृदय में आके बंदी बन जाए। अवरुद्ध होना माने बंदी बन जाना। हृदय में आके भगवान बन जाते हैं, विराज जाते हैं। ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। भगवान व्यास कह रहे हैं कि नैमी सारण्य तीर्थ में सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है, फिर प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं, पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है और छठवां प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में रहता है। श्री सूत जी महाराज ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहै तो कप्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। पहला प्रश्न है कल्याण कैसे हो। बोले कल्याण के लिए तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। कोई कितना भी कुछ कर ले, हम संसार में रह के धन बटोर सकते हैं, ऐश्वर्य भोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कल्याण प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए हमें भगवान के नाम में, भगवान के भजन में लगना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ये आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा। कल्याण क्या है? यही कल्याण है कि हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। यही कल्याण है कि संसार की भय बाधा से छूट करके और भव बाधा मिट जाए, हम भगवान के हो जाएं। राम भजन बिन सोना हो खगे सा। राम भजन बिन सोना हो खगे सा। राम भजन बिन सोना हो खगे सा। राम भजन बिन सोना। काग मुसुंडी जी कह रहे हैं, हे खगेश, हे गरुड़, खगनायक, बिना राम भजन के करोड़ों करोड़ उपाय करने से भी क्लेश नहीं मिटेंगे। क्लेश कब मिटेंगे? जब भगवान के भजन में लगेंगे। राम भजन बिना सोना हो खगेशा। राम भजन बिना क्लेशा, क्लेश नहीं मिटेंगे। इसलिए क्या करें? राम ही सोमारी गाइए, राम ही, राम ही सोमारी गाइए, राम संत सोनारे, राम गुण ग्राम राम गुण गावे। खूब राम नाम का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तभी कल्याण होगा। शास्त्रों का सार क्या है? बोले सभी शास्त्रों का सार है कि सब प्रपंच छोड़ के भगवान के भजन में लग जाएं।
किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। सब शास्त्र यही तो कहना चाहते हैं, जितना हो सके लोगों की सेवा करें, लोगों की सहायता करें। वासुदेव परावेरा, वासुदेव परामख, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परावेरा, वासुदेव परामख, वासुदेव परादेवा, वासुदेव यही कहते हैं ना, भजन करो, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, सबका सार क्या है? भगवान नाम, भगवान के भजन में लग जाओ। चार वेद छह शास्त्र में पास मिली है दोए, और सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख होए। सब शास्त्रों का सार है भैया कि यदि आप संसार में सबको सुख बांटेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और आप दुख बांटेंगे तो दुख मिलेगा। जो चाहते हो सो खूब बांटो, जो बांटोगे वही कई गुना होकर मिलेगा। ईश्वर अजन्मा होकर जन्म क्यों लेता है? सुखे भर भगताना इतना संसार भवकूप है और इसमें दो है, एक हम जीवात्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा भव बंधन में पड़ के कर्म बंधन में पड़ के गिर गया, कर्म के कारण हम लोग कर्म बंधन में बंध करके संसार में आए। और परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आता है। क्यों? हम गिरे हुओं को निकालने के लिए आता है, ताकि जो संसार चक्र में पड़े हैं उनको मैं निकाल लाऊं। यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। भगवान आते हम जैसे दीनहीनों पर कृपा करने। अरे राक्षसों को तो वो वहां बैठ के भी मार सकता है। आप विचार करिए, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ जाए, क्या रावण कुंभकर्ण को मारने खुदा ना पड़ेगा? एक बार अकबर ने पूछा ना अपने बीरबल से, हमारे यहां तो फरिश्ते आते हैं, तुम्हारा भगवान ऐसा कैसा कि बार बार दौड़ा चला आता है, क्या उनके पास कोई नहीं है जिसको भेज दे? अकबर बोले कि और किसी को क्यों नहीं भेजते, भगवान खुद क्यों आते हैं तुम्हारे? बीरबल ने कहा कि अब ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हां समय आने पर बताऊंगा। ठीक है, गर्मी का समय आया, नौका विहार के लिए गए, तो अकबर का बेटा सलीम उसकी मोम का पुतला बीरबल ने बनवा के कपड़े पहना के, और बिल्कुल दूर से लग रहा है कि मेरा बेटा बीरबल के साथ है। अकबर यही सोच रहा था कि मेरा बेटा बीरबल के पास है, वो असली नहीं था, वो तो वो
मोम का पुतला बनवाया था उसने, अपने साथ नौका में रख लिया। अकबर को लगा कि मेरा बेटा बीरबल के साथ सुरक्षित है, और बीच नदी में पहुंचे और उस नौका को थोड़ा हिलाया, मानो कोई नौका डूब रही हो, हिल रही हो, और हाथ से पुतले को नदी में छोड़ दिया। अब नदी में पुतला गिरा, सब लोग हड़बड़ाए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन हड़बड़ाया? अकबर, क्यों? उसका बेटा है। और अकबर ने जरा भी इधर उधर नहीं देखा, वो छलांग लगा के कूद गया नदी में। जाल वाल बिछा रखे थे, बीरबल की सब प्लानिंग पहले से थी, उसको निकाल लिया। निकालने के बाद वो पुतला भी निकाला, अकबर ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं, उसका पुतला है। बहुत नाराज हुआ, ये क्या नाटक है, ये क्यों किया ऐसा तमाशा? बीरबल बोला, सरकार नाराज मत होइए, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। कैसा उत्तर दे रहे थे? तुम कह रहे थे कि, बीरबल ने कहा कि आपने मुझसे पूछा था कि आपका ये भगवान खुद क्यों आता है, फरिश्ते नहीं भेजता, कोई किसी और को नहीं भेजता, खुद ही क्यों आ जाता है? तो आप ये बताओ, आपका बच्चा जब पानी में गिरा, मान लो असली आपका बेटा ही था, तो आप क्यों कूदे? हम लोगों से कह देते, इतने सैनिक थे, मंत्री थे, हम सब लोग थे, वजीर थे, हमसे कहते, हम लोग कूद जाते, हम निकाल लाते। अकबर बोला, मेरा बेटा डूबा जा रहा है, उसके ऊपर प्राण संकट बनाया है, और तुम कह रहे हो इससे कह दो, उससे कह दो, पता नहीं कोई गया नहीं गया, ठीक से निकाला नहीं निकाला समय पे, इसलिए मैं स्वयं कूद पड़ा। तो बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, बादशाह, जैसे आप अपने बेटे से प्रेम रखते हैं और उसे संकट में जानकर स्वयं कूद पड़े, उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हमसे प्रेम रखते हैं और भक्तों को संकट में देखकर स्वयं नीचे अवतार लेकर आ जाते हैं, स्वयं अपने भक्तों को बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार वो उन भक्तों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के मूलतः 24 अवतार हैं, शास्त्र सम्मत जो अवतार है वो 24 अवतार। पहला है भगवान का सनकादिक का अवतार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चार रूपों में आए। फिर भगवान का वराह अवतार, भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है, क्योंकि जब भी किसी भक्त ने बुलाया, कोई ना कोई रूप लेके भगवान दौड़े चले आए, और जब जब भगवान आए तो एक नया अवतार हो गया। भगवान कभी किसी रूप में आए, कभी, अरे इसी कलयुग में कितनी बार भगवान आए, एकनाथ जी के लिए, नामदेव जी के लिए, नरसिंह जी के लिए, कितने कितने रूप बना के भगवान आए, तो उतने अवतार हो गए कि नहीं? पर भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। श्री कृष्ण के स्वधाम जाने पर श्रीमद् भागवत में ही धर्म समाहित हो जाता है। बोले, धर्म क्या है? कामना रहे थे, हम इसलिए पूजा ना करें कि हमारा यह काम हो जाए, बल्कि इसलिए पूजा करें कि कन्हैया हमारे हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे मां अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है, समय पर भोजन कराना, समय पर दूध पिलाना, समय पर गर्म कपड़े पहनाना, समय पर उसका सब ध्यान रखना, तो जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है, हम भी, हमारे घर में कृष्ण है, गोपाल जी हैं, उनकी सेवा बच्चे की तरह करें, भगवान की तरह नहीं। इस समय लाला को सवेरे जल्दी भूख लगती होगी तो जल्दी से भोग रख दें, ठाकुर जी को अब गर्मी बहुत हो रही है तो बार बार जल की झारी रखें, ठाकुर जी को पतला कपड़ा पहना है क्योंकि गर्मी हो रही है तो पतला कपड़ा पहना है, ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, ठाकुर जी को बढ़िया कोई हवा की व्यवस्था, ठंडक की व्यवस्था, हम लोग तो एसी में बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं अलमारी में गर्मी में, ऐसा नहीं, सेवा भाव से होती है, ऐसा भाव हो कि हमारे कन्हैया हमारे लाला है और लाला को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म की व्याख्या महर्षि कणाद करते हैं,
अपने ग्रंथ में यतोभ्युदस्यम निश्चय सिद्धि साधारमः, जिससे अभ्युदय हो और लौकिक समृद्धि हो, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो, उसको धर्म कहते हैं। महर्षि कणाद महाभारतकार भगवान वेदव्यास अपने महाभारत ग्रंथ में धर्म को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, धारणा धर्मित्युर्हुर धर्मो धार्यते प्रजा यत्यस्या धारणम संयुक्तम सधर्मम इति निश्चया। धारण करने वाला होने से वह धर्म कहा गया है, प्रजा को धारण करता है और पुष्ट करता है, समृद्ध बनाता है, उसको धर्म कहते हैं। जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करे, हमारे जीवन को समृद्ध करे और हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति दे करके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए कल्याण के रास्ते पे ले जाए, उसको धर्म कहते हैं। देखिए मनुष्यों में और पशुओं में क्या भेद है कि आहार निद्रा भय में तुरंचा सामान्य में तत्पशु नराणाम धर्मो हिते साम अधिको विशेषा धर्मेन हीना पशु समान। नीतिकार का श्लोक है, नीतिकार कहते हैं सोना खाना बच्चे पैदा करना भय मन में होना, ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सब में दिखता है कि नहीं। हम लोग सोचते हम अपने बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस के बड़ा कर देते, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर आप तनिक विचार करिए, छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चे को पाल लेती है कि नहीं। वो बच्चों के लिए जाने कहां कहां से दाना उठा के लाते हैं और अभी अभी अंडे से निकले उन बच्चों के चोंच में डाल देते हैं, उनके आहार के रूप में जो भी वो ग्रहण करते हैं वो जहां तहां से संग्रहित करते हैं और लाके अपने बच्चों को चुगा करके और उनको बड़ा कर लेते हैं कि नहीं। तो बच्चे पैदा करना और उनको पाल पोस के बड़ा करना, ये कला केवल हम लोगों में नहीं है, ये पशु पक्षियों में भी खूब अच्छी देखी गई है और हमसे बढ़िया देखी गई है। हम लोग तो आजकल दो से ज्यादा होने तो डरने लगते हैं, भैया हम दो हमारे दो बस दो ही मुश्किल से पल रहे हैं। वो पशु पक्षी वो तो बहुत बढ़िया ये सब काम कर लेते हैं, कितने पालन पोषण कर लेते हैं। अच्छा बाबूजी एक बात हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग अब जो है, पहले तो ये था कि एक एक पिता माता के जो है पांच पांच दस दस संतानें भी होती थी, तो कोई एक कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई एक आध बाबा बन गया। कई बार सोचते हैं अब हम लोगों ने ये कर दिया कि भाई हम दो हमारे दो, तो अब तो और ज्यादा लोग आगे बढ़ गए, बोले हम दो तो हमारा एक ही, हम दोनों मिलके एक तो हमारा भी एक। अच्छी बात है, प्रजा वो जो बढ़ रहा है जनसंख्या, तो जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। लेकिन हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है, हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या बढ़ाओ। साधु संत कहां से आएंगे, आकाश से तो नहीं बरसेंगे, समाज में से ही निकलेंगे। अब पहले जब ज्यादा ज्यादा बच्चे होते तो एक आध महात्मा बन जाए, अब एक दो ही हो रहे हैं, वो ही लोग चाहते, माता कहती है डॉक्टर बनाऊंगे, पिताजी कहते हैं इंजीनियर बनाएंगे, बच्चा कह रहा है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई कह रहा है पायलट बनूंगा, तो ये बताओ बाबा कौन बनेगा, साधु संतों की परंपरा कैसे चलेगी। लेकिन भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, बस हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए जो जहां है जिस कार्य में लगा है वहीं रह करके अपने धर्म रक्षा के लिए मन में प्रयत्नशील रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो, हमारे धर्म की रक्षा होती रहे। बस धर्म क्या श्रेष्ठ है, बोले जिससे भगवत प्रेम हो और प्रेम भी ऐसा हो कि कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि निष्काम प्रेम हो। अच्छा संसार में व्यवहार में भी हम लोग जो देखते हैं कि जब तक कुछ मांगते नहीं है तब तक ही प्रेम अच्छा रहता है, एक बार कुछ मांग लो तो प्रेम गड़बड़ा जाता है। दो मित्र हैं, खूब प्रेम है और एक कह दे कि भाई क्या बताएं थोड़ी समस्या आ गई, बिजनेस में घाटा चल रहा है, तो 5 लाख रुपए चाहिए थे, सोई खटास शुरू, और वो फोन उठाना कम कर देंगे
अरे आज मैं थोड़ा वहां चला गया था, मोबाइल साइलेंट रखा था, ये हो गया था, वो हो गया था, होता है कि नहीं? अच्छा कदाचित उसने दे दिए तो वापस लेने में फिर बुराई बननी है। तो जहां मांग होती है वहां प्रेम नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। इसलिए भैया जैसे लौकिक व्यवहार में मांग रखने पर प्रेम घट जाता है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी मांग करने से भगवत प्रेम घट जाता है, भक्ति व्यवचरित हो जाती है। इसलिए भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान से तो ये कहो कि आप हमारे हो जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। धर्मानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुया नोत पाति श्रमये वैकेवलम्। धर्मा सुनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये जदिरत्यो श्रम एव केवलम्। धर्मों का अनुष्ठान करना और भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, तीर्थ यात्रा करना, इन सब का फल क्या है? इन सब का वास्तविक जो फल है वो है भगवत प्रेम। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम रहा, फिर उसका कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। सोनक जी ने पूछा कि व्यास जी ने भागवत की रचना कब की, क्यों की, किस प्रयोजन से की, आप वह सब वृत्तांत सुनाइए। तब भागवत जी की रचना व्यास जी ने कब और किस प्रकार की, वो कथा श्री सूत जी महाराज सुनाने लगे। द्वापरे संप्राप्ते तृतीय युग परये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर युग की समाप्ति के काल में सत्यवती जी के गर्भ से भगवान का ही अवतार हुआ। भगवान के चार तरह के अवतार हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक है अंशावतार, कलावतार, आवेश अवतार और पूर्ण अवतार। कुछ अवतार भगवान के ऐसे हैं कि वो भगवान नहीं है पर उनको भगवान का आवेश आता है, तो उसको आवेश अवतार। जैसे देव ऋषि नारद, नारद जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में है। और आगे हम अभी सुनेंगे कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, उससे पिछले जन्म में एक गंधर्व थे, गंधर्व के रूप में इनको ब्रह्मा जी का श्राप लगा तो दासी पुत्र बने, मां संतों का संग मिला, भगवान की कथा मिली तो ब्रह्म पुत्र बन के नारद जी बने। फिर इनको भगवान के अवतारों में गणना क्यों? बोलिए भगवान तो नहीं है पर इनके अंदर भगवान का आवेश आता है, तो आवेश आने से ये भगवान के अवतारों में ही गिने जाते हैं। नारद जी महाराज इसको बोलते आवेश अवतार। कुछ है भगवान के अंशावतार, जैसे श्री बलराम जी महाराज है तो शेष जी के अवतार, पर इनको भी भगवान का अंश माना तो अंशावतार। परशुराम आदि भगवान के अवतार हैं। अंशावतार, आवेश अवतार, कलावतार, भगवान वेद अभ्यास जो है वो कलावतार हैं, इनमें भगवान की कलाएं आ गई हैं। इसलिए यह है भगवत कार्य करने के लिए भगवान ही अपनी कलाओं को किसी जीव में प्रतिष्ठित करके उस रूप में प्रकट होते हैं और वह कोई महतीय कार्य, महनीय कार्य करने के लिए आते हैं, वो कलावतार है। और एक है पूर्णावतार, भगवान परम ब्रह्म जो परमात्मा है वह स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए कोई स्वरूप धारण करके आ जाते हैं, कभी श्री राम बनकर, कभी श्री कृष्ण बनकर के, उनको पूर्ण अवतार कहते हैं, वह परम ब्रह्म ही प्रकट हो जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही परिपूर्ण ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है, कभी राम और कृष्ण में भेद मत समझना। अच्छा कई लोगों के मन में एक संशय रहता है, बाबूजी हम लोगों के गुरु जी जो थे उन्होंने राम मंत्र दिया था, कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, महाराज जी हमारे गुरुजी ने राम मंत्र दे दिया,
और इष्ट मंत्र हमारा राम मंत्र है, लेकिन हमारा मन तो कन्हैया में ज्यादा लगता है। हम भागवत सुनते वृंदावन आते, हमारा मन तो राधा रमण में लग गया। अब ये बताइए हम क्या करें, राम का भजन करें कि कृष्ण का भजन करें? दुविधा हो जाती है। देखो गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका आश्रय लो, गुरु मंत्र जपते रहो, और आपको कृष्ण भगवान में ज्यादा प्रेम है तो खूब कृष्ण भगवान से प्रेम करो, खूब भगवान कृष्ण की भक्ति करो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इतना करना कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका भी त्याग मत करना, गुरु मंत्र का जप करते रहना, भले ही वो राम मंत्र है तो उस मंत्र का ही जप करते रहना, और खूब श्री कृष्ण की भक्ति करते रहना, और भगवान नाम के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते भी आपको वही फल मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। हाँ, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जी जो है, इनके गुरुजी कौन है आप लोग जानते होंगे? मीरा जी के गुरुजी रैदास जी हैं, और रैदास जी श्री राम के उपासक हैं, क्योंकि रैदास जी के गुरुजी भगवान रामानंदाचार्य जी हैं। अब रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय से रैदास जी हैं, उसी संप्रदाय में दीक्षा मीरा जी की हुई, तो मंत्र कौन सा होगा? राम मंत्र हुआ। लेकिन मीरा जी जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की भक्ति करती रही कि नहीं? क्या उनकी भक्ति खराब हुई? भगवान प्रत्यक्ष मिल गए उनको। मीरा जी के एक पद में उन्होंने गाया है, मेरो मन राम ही राम रटे, अरे मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम भी जपती हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति करने में उनकी गुरु निष्ठा कोई बिगड़ नहीं गई। आपने कृष्ण मंत्र लिया है और आपका मन राम जी में लगता है तो अभी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, यदि आपने शिव मंत्र लिया है, सैभ्य है, और आपको वैष्णव दीक्षा लेनी है, आपको लगता है कि अब हमें जो है कृष्ण भक्ति राम भक्ति करना है, तो आप फिर ऐसे भी उदाहरण इतिहास में है कि सैभ्य होकर भी कोई वैष्णवी दीक्षा ले लिया, अथवा वैष्णव होकर भी कोई सैभ्य होकर के सन्यासी हो गया, तो वह एक अलग परंपरा है। लेकिन सामान्यतः भगवत भजन करने के लिए आप लोगों को अपने गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र मिला है उसी का जप करके, और जिसमें निष्ठा है उस स्वरूप का ध्यान करिए, उसका भजन करिए, आपका कल्याण होगा। भगवान वेदव्यास सत्यवती जी के द्वारा अवतरित हुए कलावतार के रूप में। इन्होंने वेदों के विभाग किए, वेद को चार हिस्सों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अभी आपको इन वेदों के अलग अलग किस प्रकार गायन होता है, किस वेद को उच्चारण करने की क्या विधि है, ये देखना हो तो आप लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आइए, क्योंकि इसमें काशी बनारस से वाराणसी से चारों वेदों के विद्वान आ रहे हैं, और वेद पाठी ब्राह्मण जो विद्वान आ रहे हैं वो अलग अलग वेदों के मंत्रों को उस वेद की शैली में, ऋग्वेद का कैसे उच्चारण होता है, सामवेद को कैसे गाया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद, उसमें भी अलग अलग शाखाओं के अलग अलग विद्वान आ रहे हैं, माध्यान्ह शाखा के, ये अमुक शाखा के, उसमें अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो उन उन वेदों के शाखाओं के अभी विद्वान लोग आएंगे। जो यज्ञ तो है छोटा यज्ञ, बहुत विराट यज्ञ नहीं है, कोई 100-200 कुंड 1000 कुंड का हो, 5 कुंड का छोटा यज्ञ है, पर हमारा खूब मन है कि विधि विधान के साथ हो। आजकल कथा के बाद हम स्वयं जाते हैं कई चीजें बाजार से व्यवस्था करवाने के लिए, भाई यज्ञ बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, ये कलश है वो कलश है, सब व्यवस्था चल रही है और सुंदर है। अब तो समय भी ज्यादा नहीं रह गया है, आज 3 जून हो गया और 2 जून से कथा प्रारंभ हुई है, तो 8 जून तक ये कथा चलेगी, 9 जून का विश्राम रहेगा, 10 जून से तो सवेरे से कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग जो यज्ञ में आने वाले 9 तारीख तक ही पधारे, और 9 तारीख तक आप आ जाएंगे तो आपकी सब व्यवस्था यहाँ होगी। और जो लोग कमरे लेकर नहीं रह पाते यज्ञ में, ऐसे बहुत लोगों के आने का मन है, महाराज जी आना तो चाहते हैं पर हमारे पास ये नहीं है कि हम कमरा का किराया भर पाए, क्योंकि उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप पूरी तरह निःशुल्क रह करके खूब यज्ञ का दर्शन करिए, क्योंकि इसमें शुल्क और उसकी कोई बात थोड़ी है। ऊपर जो हॉल ऊपर जो बन गया है, छत डल गया है, उसमें पूरे में गद्दे वद्दे डलवाए जा रहे हैं, कूलर लगवाए जा रहे हैं, ताकि वहां
जो भी ऐसे भक्त लोग आए वो खूब प्रेम से आराम से विश्राम करें, भोजन भंडारा चले गई, प्रसाद पाए, आनंद लें। तो चारों वेदों की ऋचाओं का गायन करने वाले विद्वान लोग आ रहे हैं, आप लोग उस समय उन वेदों की ऋचाओं का श्रवण करेंगे कि किस वेद की क्या शैली है, क्योंकि भागवत तो खूब होती है पर वेद ऋचाएं सुनने का अवसर अब कम मिल पाता है। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है, वेद मंत्र सुनने मात्र से कल्याण होता है, आप प्राण प्रतिष्ठा के उस दिव्य क्रम का दर्शन कर पाएंगे और खूब आनंद लेंगे हम लोग। तो जो ऋग्वेद है वो अपने शिष्य पहल को वेद अभ्यास ने दिया, सामवेद अपने शिष्य जैमिनी को दिया, यजुर्वेद अपने शिष्य वैशंपायन को दिया और अथर्ववेद सुमंतु को दिया, क्योंकि पहले लिखने का क्रम नहीं था, वेद को सुन के धारण किया जाता था, इसलिए इसका नाम है श्रुति। श्रुति माने सुन के धारण किया हुआ। इन्होंने अपने शिष्य को सुना दिया, उन्होंने रट लिया, पर उन्होंने अपने शिष्य को इस प्रकार शाखा प्रति शाखा चलता था, पुराणों की रचना की और रोम हर्षण नाम के सूत को वह पुराण प्रदान किए। उसके बाद इतिहास पुराण के रूप में महाभारत की रचना की, बड़ा अद्भुत विशाल ग्रंथ महाभारत है जिसमें अद्भुत ज्ञान उपदेश भरा पड़ा है। हम तो कहते जीवन में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार महाभारत अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से 6 खंड में महाभारत निकलती है, एक और श्लोक है, दूसरी ओर हिंदी अनुवाद है। हम तो कहते गीता प्रेस गोरखपुर का बड़ा उपकार समाज पर है, आस्तिक समाज के लिए कितना काम किया है, जो हमारे ग्रंथ लुप्त हो रहे थे, पुराण उपनिषद स्मृतियां लुप्त हो रहे थे, उन्हें जहां तहां से संग्रहित करके बड़े सुंदर पेपर पर बड़े साफ सुस्पष्ट अक्षरों में शुद्धता और प्रमाणिकता के साथ में प्रकाशित करने का काम गीता प्रेस गोरखपुर ने किया। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए जिन्होंने हमारे साहित्य को संजो के रखा है। और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और सेठ जी श्री जयदयाल गोयंका जी, इन लोगों ने महनीय कार्य किया हमारे साहित्य को बचाने के लिए, अद्भुत कार्य किया। हम लोग अभी ऋषिकेश गए थे तो वहां गीता वाटिका और वहां गए तो वहां लोगों ने बताया कि महाराज जी प्रेस में इतना ज्यादा आदर रखा जाता है क्योंकि वहां ग्रंथ छपते हैं, तो जूता चप्पल पहनकर कोई प्रेस में नहीं जाता, कोई पेपर कदाचित कोई मिसप्रिंट हो जाए और निकालना पड़े या कोई गलत छापा हो जाए नीचे पटक दिया तो नीचे नहीं गिरने देते, उनको उठा करके बड़ी व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं कि ये रद्दी में हो गया, क्योंकि उसमें वेद मंत्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं, बड़ी पवित्रता के साथ वह कार्य होता है और लोग भगवान नाम जप करते हुए कार्य करते हैं, तो अद्भुत कार्य हुआ है। तो उन्होंने इतना कार्य किया है, हम लोग भी तो कुछ करें, क्या करें, उन्होंने बड़े सस्ते ग्रंथ उपलब्ध करा रखे हैं। कभी आपके हाथ में पुरानी गीता जी की पुस्तक आए, आप देखिए उस पर लिखा होगा 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे में गीता जी दे रहे हैं 1 रुपए। आज भी जो है बहुत कीमत ज्यादा नहीं है, इतने सस्ते में हमें ग्रंथ मिल रहे हैं, हमें लेकर के कम से कम उनका स्वाध्याय करना चाहिए। एक बार महाभारत का अध्ययन करिए, कभी आप जो है कोई पुराण लेकर के पुराण पढ़िए, कभी उपनिषद पढ़िए, कभी कोई गीता जी के ऊपर जो श्री स्वामी राम सुखदास जी आदि महापुरुषों की टीकाएं हैं वो पढ़िए, कितना अद्भुत ग्रंथ हमारे यहां है। व्यास जी ने तो बहुत कुछ लिखा और व्यास जी की कृतियां खूब जो है समाज में प्रचारित भी हुई, लेकिन व्यास जी के मन में कुछ खिन्नता थी, अपूर्णता थी, चिंतित होकर अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय देव ऋषि नारद पधारे, नारद जी का वीणा झंकार मारते हुए, नारायण नारायण नाम गाते हुए वीणा जी पर गाए, और देव ऋषि नारद को आया हुआ देखा, व्यास जी प्रसन्न हो गए। जब कोई संत घर में आए तो खूब प्रसन्न हो, क्या कहे, मेरे घर आया राजा, आज के दिवस, अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, अरे मेरे घर आया।
आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा।
संत घर पर आए प्रसन्न होकर के उत्सव मना, भैया भाग्य खुल गए जो मेरे घर आया राजा राम जी का। और जैसे ही देव ऋषि नारद जी आए, व्यास जी आनंद में झूमने लगे, वाह मेरा भाग्य खुला जो देव ऋषि पधारे। नारद जी बोले, व्यास जी और सब तो ठीक है, पर मैं देख रहा हूं आप किसी चिंता में पड़े हैं, आपका मुख प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? कि पारासर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यते शरीर आत्मा मानस एव। इस समय आपका मुख कुछ कुमलाया है, कुछ चिंता है, क्या बात है? व्यास जी ने सब बात कही, मैंने इतने पुराण लिखे, इतना कुछ लिखा अपनी लेखनी से, पर लगता है अभी भी कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई, इसी सोच विचार में पड़ा हूं। नारद जी बोले, देखो आपने ब्रह्म सूत्र से भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की, आपने कहीं कहीं लेकिन हिंसा को भी अपने पुराणों में स्थान दे दिया। देखो आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका प्रतिपाद्य विषय क्या है। भाषा शैली बहुत अच्छी हो लेकिन विषय अच्छा ना हो तो उस भाषा का क्या करें। और कदाचित भाषा बहुत अच्छी ना भी हो लेकिन विषय बहुत अच्छा हो, भगवत भक्ति की चर्चा हो तो महापुरुषों में उसका बड़ा आदर होता है। अब आप ये देखिए, संत मलुकदास जी की वाणी, संत कबीरदास जी की वाणी, ये वाणियों की संत समाज में कितना आदर है, कितना सम्मान के पूर्वक गाई जाती है। यद्यपि इनमें कोई बहुत ज्यादा साहित्य नहीं है, कोई बहुत ज्यादा छंद प्रबंध नहीं है, लेकिन फिर भी संत समाज में इन वाणियों का बड़ा आदर है। और हमारे यहां तो गुरु ग्रंथ साहब को गाया जाता है, उसमें संतों की वाणियां ही तो है, पर संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी को कितने आदर से पढ़ा जाता है और उसके आश्रय से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि उसका जो विषय है वो भगवत चिंतन है, भगवान का स्मरण है। और कोई कितना बढ़िया साहित्य में बोल रहा है लेकिन संस्कृत की भाषा हो, बड़ा साहित्यिक भाषा हो, पर उसमें जो कहा जा रहा है वो प्राकृतिक चर्चा है। बाबूजी पिछले समय में राजाओं के यहां भी विद्वान लोग रहते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, तो बड़े बड़े विद्वान रहते थे, वो सुंदर सुंदर रचनाएं उन राजाओं की प्रशंसा में करते थे, ये राजाधिराज ऐसे हैं, इन्होंने इतने युद्ध जीते, इन्होंने इतने इतने काम करे, तो वो राजाओं की प्रशंसा करते हुए तमाम लेख लिखते थे, राज दरबार में सुनाते थे, राजा अपनी प्रशंसा सुन के गदगद होते, उनको पुरस्कार देते। तो इस बात से राजा तो प्रसन्न हो जाते, पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन वो कहां विलुप्त तो हो गए वो लेख, आज किसी के पास ना उपलब्ध है और ना उनका कहीं कोई जिक्र है, गए। लेकिन उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिन संतों ने जो वाणियां लिखी, जो कुछ भी लिखा, वो आज भी जो है गाया जा रहा है और युगों तक गाया जाता रहेगा और लोगों का कल्याण होता रहेगा, है कि नहीं है? नारद जी ने कहा, आप भगवत चर्चा करिए। बोले, पुराणों में मैंने की तो है, पर आपने की तो है पर ऐसे किए। अब आपको उदाहरण से समझावे, आप लोग तो दिल्ली से आए हैं और रहने वाले हरियाणा के, उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड में क्या परंपरा है हमें पता नहीं, हमारे बुंदेलखंड में या इधर चले जाइए मिथिला में शादी ब्याह होता है तो महिलाएं गीत गाती हैं, आपके यहां भी गाती होंगी, तो गीत गाती हैं, तो विवाह तो हो रहा है किसी एक बच्चे का, अब उसके निमित्त गीत गाए जा रहे हैं, पर उसमें चर्चा कभी कभी उसके परिवार के लोगों की भी, उसके मामा की, उसके फूफा की, उसके काका की, दादा की भी चर्चा, माताएं गीत गाते गाते उनके नाम भी लेती हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो प्रधानता किसकी है? दुल्हा की, क्योंकि दुल्हा का विवाह हो रहा है, चर्चा उनकी भी हो रही है चूंकि वो उससे जुड़े हैं। तो इसी प्रकार व्यास जी को कह रहे हैं नारद जी कि आपने पुराणों में चर्चा तो तमाम लोगों की है,
पर अब जो है दुल्हा श्री कृष्ण को बना करके, श्री कृष्ण को ही प्रधान बना करके, और बाकी सबकी चर्चा भले ही हो पर उसमें मूल रूप से प्रमुखता से श्री कृष्ण का चरित्र गाया जाए, श्री कृष्ण ही मुख्यता से रहे। उदाहरण देखो इसलिए हम ऐसे दे देते हैं कि सबको समझ में बात आ जाए। तो नाम सबके हो, लीलाएं सबके, भागवत में सबकी कथाएं, लेकिन मूल कौन है? श्री कृष्ण। नारद जी ने फिर अपने पिछले जन्म की बात सुनाई, देखो मैं तो एक दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी के वन में जाने के बाद मेरी मां बिल्कुल अकेली पड़ गई, मैं तो बहुत छोटा था। भला हो उन ब्राह्मण का जिन्होंने मेरी मां को अपने घर के सेवा का चाकरी में लगा लिया, पर मेरा सदभाग्य यह था कि वहां कुछ साधु संतों का आगमन हुआ। साधु संत 4 महीने के लिए ब्राह्मण के आग्रह से रुक गए और 4 महीने तक उन संतों के द्वारा जो कथा सत्संग होता था उसको मैं बैठ के सुनता था। नारद जी कह रहे हैं मैं छोटा बच्चा था लेकिन वो कथा मुझे इतनी प्यारी लगने लगी कि मेरे मन की चंचलता चली गई। अब मुझे ना खेलकूद अच्छा लगता, ना बातचीत अच्छी लगती, ना कहीं जाना अच्छा लगता, बस महात्माओं की सेवा और उनके द्वारा कथा। और कभी कभी जब वो कीर्तन करते प्रेम में झूम करके तो मैं नाचने लग जाता। वो कथा कहते मैं बिल्कुल टकटकी लगाए उनको देखता रहता, कथा सुनता रहता, उनके कपड़े धो देता, उनके लिए हवन संविधा पत्र पुष्प ला देता, और जब वो भोजन कर लेते तो उनके पत्तलों में बचा हुआ जो शीत प्रसादी रहती उनकी वो थोड़ा उठा के पा लेता। मेरी बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, मेरी बुद्धि के विकार निकल गए, क्योंकि जैसे व्यक्ति का झूठा खाओगे वैसे ही अंदर आपका स्वभाव बनने लग जाएगा। हमारे यहां इसलिए कहा जाता है किसी का झूठा मत खाओ, कहते हैं कि नहीं? अब आजकल तो झूठा खाने की परंपरा चल गई है, और बाबूजी जो ज्यादा झूठा मीठा खाएं उनको लोग उतना ही मॉडर्न समझते, बोले ये मॉडर्न है, और ज्यादा ये सब बात करो कि नहीं नहीं भैया ये छुआ हुआ है ये झूठा, बोला अरे ये तो पुराने समय की बात है, ये पुराने विचारों के व्यक्ति हैं। अच्छा झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ये बात सच्ची बताना। लोग कहते हैं ना झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, क्या आपको लगता है झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है? नहीं लगता? चलो इतने लोगों को तो नहीं लगता, नहीं तो आजकल लोग ये कहने लगे कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। एक संत कह रहे थे, हंसा रहे थे, बोले झूठा खाने से प्रेम बढ़ता होता तो सबसे ज्यादा कुत्तों में नजर आता, वो सबसे ज्यादा लड़ते हैं, वो तो खूब झूठा खाते हैं, उनमें कहां प्रेम बढ़ा। झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारी बढ़ती है, और जिसके अंदर जो बीमारी होगी। अच्छा कोरोना में ये बात कुछ हद तक समझ में आई, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुआ हुआ भोजन हम करेंगे तो हमारे अंदर भी संक्रमण आने का खतरा है कि नहीं? तो शरीर के रोग वह जीवाणु जो दिखाई भी नहीं दे रहा है वो भोजन में मिलके हमारे अंदर जा सकता है। तो भैया अंदर की जो वासना है, अंदर वाला जो गड़बड़ी है, वो भी भोजन में अन्न में मिलके हमारे पास आ सकता है कि नहीं? बाबूजी एक जगह हम कहीं गए थे तो वो हमने देखा कि छोटा पोता था घर में 10-11 साल का, वो अपने दादाजी के साथ उन्हीं की थाली में भोजन करने बैठ गया। उसकी माँ ने एक और बुलाया, अकेले में डांट लगाई, क्यों मैंने मना किया था ना उनके साथ मत खाना, हमें बुरा लगा दादाजी के साथ खा रहा था, ये मना क्यों करती है हमें, आप ऐसा क्यों? वो बोली बात ये है महाराज जी कि बाबूजी को कुछ दिन से एक बीमारी हो गई है, कोई डॉक्टरों ने कहा है कि ये संक्रमित बीमारी है, दूसरों में भी इसका संक्रमण हो सकता है। तो बाबूजी बीमार रहते हैं, दमे की भी बीमारी है, हमें डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी आ जाए, और स्वाभाविक आ सकती है। तो भैया जब ये शरीर के रोग जो है झूठा खाने से एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, तो जो अंदर के रोग है क्या वो झूठा खाने से दूसरे में नहीं पहुंच जाएंगे? इसलिए झूठा खाने के लिए हमारे यहां मना किया है। आजकल तो वो जन्मदिन हो कुछ हो तो केक और वो जबरदस्ती इसके मुंह में लगाओ फिर उसके में लगाओ, सबका झूठा जब तक ना हो जाए जब तक बंद मत हो, यही होता है कि नहीं? सब एक दूसरे का झूठा। और भोजन की पद्धति तो बड़ी जोरदार चली है, व्यक्ति उसी हाथ से खा रहा है, उसी से उठाने गया, पूरी थोड़ी कड़क लगी उसने वहीं छोड़ दी, दूसरी उठा ली। पहले इतना विचार लोग रखते थे, आज भी साधु संतों में आप देखिए कि भोजन परोसने वाले ने कदाचित परोसने के पात्र को भूमि पर रख दिया, पत्तल जहां चल रही है भोजन चल रहा है,
हाथ में बाल्टी है और खीर ज्यादा भरी है, उठाई नहीं जा रही, वो कदाचित परोसते परोसते उसने नीचे रख दी, वो सब हटवा देंगे, बोले ये झूठी हो गई, हटाओ इसको, नीचे रख दिया माने झूठी हो गई। यदि इस हाथ से कोई पात्र छू लिया झूठा हो गया। पानी पीने के लिए यदि किसी ने उल्टे हाथ से पानी भी पी लिया तो बोले तुम्हारा उल्टा हाथ भी झूठा हो गया, तुमने उल्टे हाथ से पानी पी लिया गिलास लेके। तो पानी भी लोग जो है साधु संतों में आप देखिए वो दाहिने हाथ से ही जल पीते, दाहिने हाथ से पीना चाहिए, लेकिन आजकल तो झूठे मीठे का कोई आचार विचार नहीं रहा। अच्छा लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर भोजन नहीं करते, कई लोगों का रहता हमारे आम संत को बुलाते वो हमारे यहाँ भोजन नहीं करते, महाराज जी आते हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। अरे भोजन तो करें, पर तब करें जब तुम्हारे घर में विचार विवेक हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, तो करें। आजकल तो वो माताओं की अशुद्धि का भी ध्यान घरों में नहीं रखा जाता, अशुद्ध अवस्था में भी माताएं रसोई घर में घुस रही है, सामान को छू रही है, उठा रही है, सब हो रहा है। फिर आप चाहें कि हमारे घर में भगवान का भोग लगे, साधु संत आकर के हमारे घर में जीमे, महापुरुषों का भोजन हो, तो कैसे होगा? कराने से आपका भी धर्म खराब होगा, धर्म बिगड़ेगा, और जो आएंगे उनका भी धर्म नष्ट होगा। इसलिए घर की रसोई को बहुत पवित्र रखिए, झूठे मीठे का बड़ा विचार रखिए। आपको बताएं घर में दो मंदिर होना चाहिए, एक तो आपका जो पूजा का मंदिर है वो तो मंदिर है ही, पर आपका रसोई घर जो है वो भी एक मंदिर है, क्योंकि वहां जो है भगवान का भोग प्रसाद बनता है, वो भी एकदम स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। रसोई घर की पवित्रता बहुत आवश्यक है। और बाबूजी हम कहते हैं किसी का घर कैसा है, उसका घर का आचरण कैसा है, ये समझना हो तो उसके पूजा घर को मत देखो, उसकी रसोई घर को जाके देखो। पूजा घर तो हर कोई सजा धजा के रख लेगा, लाइट लगा लेगा, तमाम सजा लेगा, लेकिन रसोई घर जाके देखने से पता चलेगा घर की हालत क्या है, क्या स्थिति में पड़ा है। कई लोगों के घर में जाओ तो रसोई घर में तमाम झूठे बर्तन, ये वो सकरा कचरा दुनिया भर का पड़ा है। नहीं, ये परंपरा भी बड़ी गलत चल गई कि दुनिया भर के घर भर के झूठे बर्तन ले जाके रसोई घर में पटकते हैं और वहीं धुलते हैं। झूठे बर्तन रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। आजकल परंपरा हो गई ना, ये सिंक में ले जाके वहीं पटकेंगे। झूठा बर्तन जो है उसको धुलने की व्यवस्था अन्यत्र होना चाहिए, रसोई में वो नहीं धुलना चाहिए। पर अब ये सब बातें हम ज्यादा इसलिए नहीं कहते, लोग कहेंगे महाराज जी जाने किस जमाने की बातें करते हैं, नया जमाना है भैया, नए लोग हैं, तो नए लोग हैं तो झूठा खाओ और आनंद लो है? देखो चाहे जितने नए हो जाएं, पर लौट के आना तो वही पड़ेगा जहां से चले हैं है? इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जो वृक्ष जड़ों से कट जाते हैं वो सूख जाते हैं, और जो जड़ों पे जुड़े रहते हैं वो पत्थरों पर भी हले आते रहते हैं। अपनी संस्कृति अपने धर्म की जड़ों से जुड़े रहें तो हमारा जीवन समृद्ध बना रहेगा। खूब आप तरक्की करिए, खूब आपका विकास हो, जैसे एक वृक्ष खूब बड़ा हो करके उसमें खूब फल लगे, फूल लगे, खूब विकसित हो, लेकिन वो जड़ से जुड़ा रहे। ऐसी तरह हम लोग देश में रहें, विदेश में रहें, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो साहब हम मजबूत बने रहेंगे और हर समय खुशहाल बने रहेंगे है? नारद जी कहते हैं मैंने संतों का झूठा प्रसाद पाया। संतों का क्यों पाना चाहिए? क्योंकि जैसे विषयी विकारी पुरुषों का झूठा खाने से हमारे अंदर उनकी दुर्भावना आ जाएगी, ऐसे ही संतों का प्रसाद पाने से हमारे अंदर संतत्व आ जाएगा। जो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के प्यारे जनों का झूठा खाने से हमारे अंदर भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, इसलिए संतों की प्रसादी ली जाती है। नारद जी ने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई, मेरे वो गुरुदेव जाने लगे, मैंने पैर पकड़ लिए, उन्होंने मुझे मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? बोले उन्होंने मुझे मंत्र दिया वासुदेव गायत्री मंत्र, नमो भगवते तुभ्यं
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। अब वो महात्मा चले गए, पर मैंने खूब भजन किया, बाद में मां की मृत्यु हो गई। मां के मरने का मुझे दुख भी बहुत था, पर एक और मैं ये भी सोच रहा था कि चलो एक बंधन था ये भी पूरा हो गया, मां की क्रिया करके मैं भजन में लग गया। मुझे भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी का दर्शन हुआ, पर वह साक्षात्कार नहीं हो पाया, बस थोड़ा आभास हुआ। मैं मिलना चाहा तो वो अंतर ध्यान हो गए। मैं झटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, हंतास्मनि जनमनि भवान नमाम माम दृष्टुमर्हति, अभी तुझे मुझे मिलने का समय नहीं आया, और भजन कर। फिर मैंने और भजन किया, प्रलय में मेरा जो है शरीर छूट गया, और मेरे द्वारा इतना भजन किया गया था कि उस भक्ति के प्रभाव से और संतों के संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मपुत्र बन के, ब्रह्मा जी का बेटा बन के जन्म लिया, मेरा नाम नारद हुआ। 1000 वर्षों के बाद जब दोबारा ब्रह्मा जी ने सृजन किया, सहस्त्र युग पर्यंत उत्थाएदम सुसृक्षता मरीचि मिश्रयार स्यहा प्राणे व्योहम चजिरे, मरीचि आदि ऋषियों के साथ मेरा जन्म हुआ, और भगवान ने कृपा करके मुझे ये वीणा दे दी। अब इस वीणा को मैं बजाता रहता हूं। देव ऋषि नारद की वीणा का क्या नाम है? देवदत्त। देवदत्ताम्यमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, जो स्वर है ये ब्रह्म स्वरूप है। श्री नारद जी कह रहे हैं मुझे स्वर ब्रह्म प्रदान कर दिया। मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्च राम्यहम, तब से मैं इन पावन स्वरों के साथ में भगवान नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 to me.